हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं जो आज पेपर हुआ था इंग्लिश कोर क्लास 12 का, तो उसकी जो टर्म वन की आंसर की है मैं आपको यहां पे शेयर करने वाला हूं। ये आंसर की कुछ जो एक्सपर्ट टीचर्स है उनके द्वारा बनाई गई है, यहां पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद यहां पे आंसर्स मैंने डिस्कस करके यहां पे कुछ डाले हैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ उसमें लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे, पेपर कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी में था आज, तो इन्विजिलेशन ड्यूटी खत्म करके जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकले तो मैंने रिव्यू लिया उनका। तो रिव्यू में कुछ बच्चों का कहना था कि जो पैसेज था अनसीन पैसेज वो थोड़ा डिफिकल्ट था, पैसेज के बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थोड़े ऐसे थे बहुत इजी थे, थोड़े बहुत सारे बच्चों ने बोला कि पेपर काफी अच्छा था, हमें तो मजा आ गया। कुछ बच्चों ने बोला कि हमें तो डिफिकल्ट लगा, कुछ ऑप्शंस वगैरह ऐसे समझ में नहीं आए कि डायरेक्टली क्या थे क्या नहीं, पर आंसर हमने कर दिया है। तो ओवरऑल देख जो फीडबैक था वो फीडबैक एक अच्छा पेपर था ऐसा मिला है। बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट था, बाकी सब लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट भी किया था। मेरे क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हाँ, कुछ लोगों का कहना था कि पैसेज पढ़ने में समझने में और उसमें थोड़ा लेंथी लगा, मतलब टाइम उसमें ज्यादा गया, बाकी तो जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड काफी बढ़िया था और लाजवाब था। तो ये ओवरऑल फीडबैक था स्टूडेंट्स का जब मैंने उनको पूछा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो हमारे स्कूल में आया था उसका कोड था 001-2/4। तो ये पेपर हमारे पास था 001-2/4 जो सेट 4 था और सीरीज यहाँ पे JJ2 करके थी इसकी, तो ये है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसका मेन रहा। तो मेन इसमें चार पॉइंट यहाँ पे है इम्पोर्टेंट। 60 क्वेश्चंस थे, उसमें से स्टूडेंट्स को 50 अटेम्प्ट करने थे, उसमें से टाइम तो जैसे आपको पता है कि 90 मिनट्स होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके है 40। तो 40 मार्क्स का पेपर टोटल था। तो चलिए देखते हैं आंसर की। तो आंसर की मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन नंबर और आंसर जो डिस्कशन करने के बाद जो निकले वो यहाँ पे आंसर्स है, और ये आंसर सारे जो पीजीटी टीचर है एक दो स्कूल के उनसे वेरीफाई करके टैली करके मैंने यहाँ पे कंफर्म किए हैं। तो आप भी एक बार देख लीजिए और आपने क्या क्या ऑप्शन टिक किया था आपको याद है तो एक बार आप यहाँ पे आपके मार्क्स भी तय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 50 B, 50 C, 60 D, 70 A, 9 B, 10 C, 11 A, 12 C, 13 A, 14 B, 15 C, 16 B, 17 D, 18 C, 19 D, 20 B, 21 C, 22 B, 23 D, 24 B, 25 B, 26 C, 27 A, 28 C, 29 B, 30 D, 31 C, 32 D, 33 C, 34 B, 35 B, 36 C, 37 A, 28 C, 29 B, 30 D, 31 C, 32 D, 33 C, 34 B, 35 B, 36 A, 47 A, 48 D, 49 B, 50 C, 51 D, 52 C, 53 C, 54 B, 55 D, 56 A, 57 C, 58 D, 59 B, or 60 D. तो यहाँ पे आंसर लिखे हुए इस प्रकार से है। अगर कुछ स्पेल आउट करने में या तो कुछ देखने में अगर कहीं आगे पीछे हो गया है तो आप देख लीजिए जो आंसर यहाँ पे लिखे हैं वो जो आंसर्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं ये सजेस्टेड आंसर्स में से है, तो आप टैली कर सकते हैं इसे। तो आशा रखता हूं कि आपको जो भी ये वीडियो में कंटेंट मिला है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो भी क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं इंग्लिश का, तो उनको बहुत काम में आएगा ही और आपको भी यहाँ पे हेल्प करेगा। चले मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करिए आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है और वीडियो को शेयर करना ना भूले। चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।